बरेली सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर कई जिलों के दौरे पर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाद शेरवानी मुरादाबाद से चलकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बरेली पहुंचे। कई जगह सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बैठकों के बाद समाजवादी पार्टी के 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता मोहम्मद कलीम उद्दीन के मुंशी नगर स्थित कार्यालय पहुँचने पर सपा कार्यकर्ताओं शहर के गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रीय लोगों ने शाद शेरवानी का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाद शेरवानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। योगी सरकार की विदाई का समय नजदीक आ रहा है। शाद शेरवानी ने कहा, केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा लखीमपुर में किसानों के साथ जो जघन्य अपराध किया है, उससे प्रदेश की जनता विशेषकर अन्नदाताओं में जो आक्रोश फैला है, उस आक्रोश का जवाब प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में जरूर देगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी और हमारे नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हराने में सक्षम है और समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, महिलाओं, छात्रों व दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता के सम्मान की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प को पूरा नहीं कर लेते। इस अवसर पर 124 शहर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद कलीम उद्दीन व 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार पवन सक्सेना, सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, जैनब फातिमा, दीप्ति पांडे, फरहान अली, डॉक्टर राजेश शर्मा, आशीष जौहरी, जमील अहमद, बिलाल खान, जावेद गद्दी, शकील उद्दीन, फजलुर रहमान, लालू, मोहित आशिक आदि मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी मोहम्मद कलीम उद्दीन व 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी पवन सक्सेना के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाद शेरवानी ने पत्रकारों को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आने का क्या कार्यक्रम है, क्या भाई? अपने लोगों से मिलने आया हूँ, थोड़ा सा जितने लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने आया हूँ। चुनाव उत्तर प्रदेश का अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, चुनाव में 6 महीने में चुनाव होने वाला है। सबको डट के हमें मेहनत करनी है और अखिलेश जी का एक मैसेज लेके आया हूँ, हमें बीजेपी की सरकार को हटानी है और अखिलेश जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अभी जो हाल ही में लखीमपुर खीरी में जो मुद्दा हुआ है, उसको क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरा हादसा था और कितनी बेरहमी से एक पत्रकार और 4 किसानों के ऊपर मंत्री जी, अब या उसके बेटे गाड़ी चला रहे थे, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लोग तो कह रहे हैं कि बेटा ही चला रहा था। आज खबर मिली कि बेटा भी फरार है, 2 लोग का अरेस्ट भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया आज, तो ये एक बहुत बुरी दुर्घटना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत हादसे हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई काबू नहीं है। जब बीजेपी 2017 में वोटों की भीख मांग रही थी तो इस ये कह के मांग रही थी कि हमारे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फ़र्क पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के सरकार में जंगल राज चलता है। उसके बाद जब चुनाव जीते, 300 से ज़्यादा विधायक आए, उनमें से एक भी ऐसा विधायक काबिल नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सके। ऐसे एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जिनके खिलाफ कई ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं। बल्कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनने अपने ऊपर से जितने केसेस थे उनने सरकार को कह दिया कि सारे केसेस को हटाना चाहिए, ऐसे किसी मुख्यमंत्री ने कभी पहले नहीं करा है। आज की तारीख में जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने ज़्यादा कभी नहीं रहे जिनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है। तो जब आपकी ऐसी सरकार रहेगी, ऐसे विधायक रहेंगे, तो कैसे जंगल राज तो इनके सरकार में चल रहा है। शासक राजभर, ओवैसी और शिवपाल जी, क्या इनके साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं? तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ किसके साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं या नहीं है, ये तो पार्टी हाईकमान अखिलेश जी फैसला करेंगे। बात तो सब लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कितना जेन्युइन है और कितनी बात आगे बढ़ेगी, ये फैसला तो लखनऊ में होगा।
क्या अलग अलग लड़ करके बीजेपी को हटा सकते हैं? मेरे हिसाब से आज की तारीख में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी को हटा सकती है, और जितनी भी और पार्टियां हैं अगर समाजवादी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अखिलेश जी ज़रूर उनकी बातों को सुनेंगे, लेकिन फैसला जो होगा वो लखनऊ में होगा। आपके टिकट वितरण का पैमाना क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का? ये देखिए, टिकट उसी उम्मीदवार को दिया जाएगा जो अच्छे छवि का हो, जिसका अच्छा पब्लिक रिकॉर्ड हो, जिसने मेहनत करी है क्षेत्र में, जो बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, इन्हीं लोगों को हम टिकट देना चाहेंगे। अखिलेश जी अपना सर्वे करवा रहे हैं, हर जगह से उनको रिपोर्टें उनके पास आ रही हैं, और जल्दी ही फैसला वो करेंगे कि किसको टिकट मिलना चाहिए। शहर और कैंट से कुछ ऐसे फ्रेश चेहरे हैं जो कि काफ़ी समय से जनता के बीच हैं और जनता उन पर एतमाद करती है, क्या उन लोगों को मौका देंगे समाजवादी पार्टी से? मौका ज़रूर मिलेगा, अब किसको मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबकी रिपोर्टें अखिलेश जी के पास जा चुकी हैं, जो सर्वे उनने कराया है वो सर्वे आज भी चल रहा है, और जो भी रिपोर्टें उनके पास जा रही हैं वो सारी जेन्युइन रिपोर्टें हैं, वो यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं सर्वे, बाहर के लोग सर्वे कर रहे हैं, तो किसी का किसी से लगाव नहीं है, तो जो भी रिपोर्ट उनके पास जाएगी वो सही रिपोर्ट जाएगी।